हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लता की रसोई। आज लता की रसोई में बनेगा लौकी का हलवा। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है आज ये लौकी का हलवा। तो मैंने एक लौकी को पील करके इन छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और अब हम इनको बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए मैं इनको कुकर में डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसमें 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। और जब तक लौकी बॉईल हो रही है, हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं घी में। तो ये एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया और ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, किशमिश को छोटा छोटा कट कर लिया है और इनको अब हम कढ़ाई में डाल के रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखें, लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से भुनेंगे ये और बहुत ही अच्छी अरोमा आएगी इनमें से, स्वादिष्ट बना देगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हलवा लगेगा हमारा। तो ये रोस्ट हो गए हैं, इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और लौकी देख लेते हैं। ये देखिए, लौकी भी हमारी बॉईल हो गई है अच्छे से। अब इसको उसी कढ़ाई में डाल देंगे और मैश कर लेंगे मैशर की हेल्प से, और गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। गैस की फ्लेम कम रहने देंगे और कम फ्लेम पर हम इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 धागे केसर के और इसको हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जब तक इसका पानी ना सूख जाए। ये देखिए, अब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है लौकी का। अब इसमें मैं डालूँगी 1 कटोरी मलाई, ये फ्रेश मलाई है और इसमें थोड़ा सा दूध भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये फ्रेश दूध की मलाई है, मैंने इसमें डाल दी 1 बाउल और अब इसको हम चलाएँगे कंटिन्यूसली। दूध जब तक पूरा सूख ना जाए तब तक हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना है। दूध डालने से इसमें खोए का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, दूध या मलाई जो भी हम डाल रहे हैं, और बहुत ही अच्छी इसमें शाइन भी आती है, घी वाला स्वाद आता है। इसमें हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मलाई डाल रहे हैं। तो जब मलाई होती है ना, वो दोनों का काम करती है, दूध का भी और घी का भी। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूसली इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा दूध जो है जलने लगा है इसका, तो हमें इसे अभी थोड़ी देर और चलाना है कंटिन्यूसली, बिल्कुल भी इसमें पानी की मात्रा ना रह जाए। इस तरीके से हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना है। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, चीनी हम डालेंगे 1 बाउल, वह आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं चीनी। और चीनी डालने के बाद भी हम इसको कंटिन्यूसली चलाएँगे क्योंकि चीनी डालने के बाद थोड़ा सा पानी छोड़ता है ये। तो अब हम इसको चीनी डालने के बाद भी अच्छे से कुछ देर तक चलाएँगे। 5-7 मिनट हो गए हैं मुझे इसे चलाते हुए और आप देख सकते हैं कितना अच्छा हलवा बना है। और अब इसमें डाल दिए हमने ड्राई फ्रूट्स जो भी रोस्ट किए थे, और ड्राई फ्रूट्स डाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और हलवा हमारा रेडी है बिल्कुल सर्व करने के लिए। बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स। तो इसको हम सर्व कर लेंगे 1 बाउल में, बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई करें, खुद भी खाएँ औरों को भी खिलाएँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग लता की रसोई।